हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आरके क्रिएशन चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक्शन क्राइम पर बेस्ड टॉप है बॉलीवुड मूवीज, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। और अगर आपको बॉलीवुड मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी फर्स्ट मूवी अट्रैक्शन। यह 2020 में रिलीज की गई एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जो चरस और गांजा बेचने वाले ड्रग लॉर्ड है, वो इंडिया के ड्रग लॉर्ड के बेटे को किडनैप कर लेते हैं। लड़के को बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में पकड़ कर रखा जाता है और एक आदमी को भेजा जाता है जो की पैसे लेकर लड़के को वहाँ से छुड़वाने जाता है। अब इसका काम है लड़के को वहाँ से निकालना। और आगे मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है एंजल हैज फैलन। यह 2019 में रिलीज की गई एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी की बात करें तो माइक, जो कि अमेरिकन सीक्रेट सर्विस एजेंट है, लेकिन उसकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट को मारने के इंजाम में पकड़ लिया जाता है। तो क्या माइक अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगा या नहीं, और असली मुजलिमों को पकड़ पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी रॉबिन हुड। यह 2018 में रिलीज की गई एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी की कहानी की बात करें तो रॉबिन, जो कि एक लॉर्ड है, जो कि अपनी प्रेमिका मरियन के साथ मजे की जिंदगी बिता रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब नॉटिंघम के शरीफ किंग को अरेबिया भेज दिया जाता है जंग लड़ने के लिए। 4 साल के बाद जब ये वापस आते हैं तब काफी कुछ बदल गया होता है। नॉटिंघम के लोगों से जंग के नाम पर इतना टैक्स ले लिया जाता है कि लोगों का जीना आराम हो गया है। इसके चलते रॉबिन ये डिसाइड करता है कि शरीफ को सबक सिखाएंगे वापस पैसा लूट कर। अब क्या वह ऐसा कर पाएगा या नहीं, ये सब इस मूवी में देखना पड़ेगा, जिसे IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी व्हाइट हाउस डाउन। यह 2013 में रिलीज की गई एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसकी कहानी की बात करें तो व्हाइट हाउस पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। काफी सारे टेररिस्ट व्हाइट हाउस में घूम रहे होते हैं और 15 साल की लड़की उन टेररिस्ट का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रही होती है। आखिरकार ये टेररिस्ट कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी द लोन रेंजर। यह 2013 में रिलीज की गई वेस्टर्न एक्शन मूवी है। इस फिल्म की कहानी 1879 के समय की है, जब पश्चिम अमेरिका इतना डेवलप नहीं हुआ था। वहाँ पर आदिवासी के बहुत कबीले हुआ करते थे जो वहाँ के मूल निवासी थे, जहाँ पर डाकू काउबॉयज भी हुआ करते थे और पुलिस की जगह रेंजर हुआ करते थे। और आगे मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है।